Welcome to the second episode of Theatrepreneurs on Theatre Kingdom. In this episode, we will be meeting with another theatrepreneur from Natrang Jammu. He was bestowed with the Sangeet Natak Academy Award in 2017 for acting. A fellow awardee from Ministry of Human Resource and Development, he has a glorious past of over 30 years in the field of theatre. And not to forget, he's acted in over 150 plays. Presenting to you, Theatrepreneur Anil Tickoo. Namaskar. मैं अनिल टिक्कू, एक थिएटर आर्टिस्ट, थिएटर एक्टर, डायरेक्टर, डिजाइनर. थिएटर किंगडम के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहता हूँ अपनी जर्नी के बारे में, जो मैंने इस थिएटर में शुरू की. ये 30 साल पुरानी बात है जब मैं थिएटर के साथ जुड़ा, और एक आप कह सकते हैं कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं बनना चाहता था थिएटर में. जस्ट एक क्यूरियोसिटी थी कि एक आर्टिस्ट एक स्टेज पर कैसे परफॉर्म करता. इस जिज्ञासा को लेकर मैंने थिएटर ज्वाइन किया, और जम्मू में थिएटर के नाम पे यहाँ पर एक ही प्रोफेशनल ग्रुप था, वो था नटरंग. और मुझे मौका मिला कि मैं नटरंग ज्वाइन करूँ, और हमारे एक पड़ोसी थे, वो मेरे फ्रेंड भी थे, जो ऑलरेडी नटरंग के प्लेस करते थे. उसका नाम था हरीश खन्ना. आजकल वो है, उसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी ग्रेजुएशन किया, और फिल्म और टेलीविजन पर भी वो करते रहते हैं. तो वो मुझे पहली बार यहाँ थिएटर में लेकर आए, और बलवंत ठाकुर साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई जब वो एक नाटक महाभोज की रिहर्सल कर रहे थे. वो नेशनल फेस्टिवल में जाना था, और मुझे लगता था कि थिएटर बहुत मुश्किल है, ये मैं पता नहीं कर भी पाऊंगा कि नहीं, ये एक्टर लोग कैसे करते होंगे ये सब. तो जब मैंने हफ्ता एक उनकी रिहर्सल देखी, तो एक दिन बलवंत ठाकुर साहब ने मुझसे पूछा, भाई आप ये कर सकते हो? तो मैंने कहा हाँ कर लूँगा. उन्होंने कहा ओके आ जाओ. Then that was the first time when I jumped on the stage, और मैंने जो एक हफ्ते से कर रहे थे रिहर्सल, वो as it is मैंने करके दिखाया. And that day he told me कि हाँ, this man can do something in theatre if he continues. और उस दिन से आज तक लगातार मैं थिएटर करता आ रहा हूँ, और लगभग 150 के करीब नाटक अभी तक कर चुका हूँ थिएटर में. और उसमें हमारी कुछ रीजनल लैंग्वेजेस के हैं, कुछ हमारे हिंदी के प्लेस हैं, कुछ अंग्रेजी के हैं. और नटरंग में रहकर मुझे एक चीज़ का बड़ा अच्छा मौका मिला कि मुझे हमारे यहाँ पर एक फोर्ड फाउंडेशन का वर्कशॉप चलता था. उसमें हमारा फोर्ड फाउंडेशन की तरफ से जो हमारे कंट्री के चुनिंदा डायरेक्टर्स थे, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ. उसमें अनमोल विलानी थे, उसमें रुद्र प्रसाद सेन गुप्त थे, उसमें आपके केसी मानविंदर नाथ थे, प्रबीर गुहा थे, बंसी कोल जी थे, मतलब टॉप मोस्ट कुतुपी पत्रे के मुथु स्वामी साहब थे. तो उनके साथ हमें इंटरेक्शन करने का मौका, और वहाँ से हमें डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एक्टिंग पता लगे कि इसमें भी थिएटर में भी मार्शल आर्ट्स का कैसे यूज़ होता है. आपके असम साइड चले जाओ, वहाँ अलग तरह का है. आप कुतुबी पत्रे, आप यहाँ पर जब हम साउथ की तरफ चले जाएं तो कलरी पैयट और बाकी तांता वगैरह से हमारा मिलन हुआ, और हमें पता चला कि ये मार्शल आर्ट्स भी किए जा सकते हैं. सो आई फाउंड कि थिएटर एक एक्साइटिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया माध्यम है. मैं अपने आप में कहता हूँ कि आई वॉज वेरी शाय, मैं किसी से बात करते हुए बड़ा घबराता था. कहीं मार्केट भी जाना होता था कोई बुक्स परचेज करने स्कूल के लिए, तो आई कुडंट गो अलोन. मेरे को एक साथी साथ में चाहिए होता था, जस्ट कि मैंने किताब खरीदनी है तो मेरे साथ रहना. बट थिएटर ने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया, दैट वॉज ट्रेमेंडस. आज मैं कहीं भी जाता हूँ अकेले, बड़े से बड़े ऑफिसर से मिलना हो, किसी मीटिंग में जाना हो, ये नहीं कि आप कह दें कि थिएटर में ही कॉन्फिडेंस. डे टू डे लाइफ में आपको हर जगह ये थिएटर हेल्प करता है. जो कॉन्फिडेंस आज मेरे में है, वो आज से 30 साल पहले शायद नहीं था. और इसी की वजह से मुझे लगता है कि मैं अपने इस फील्ड में कुछ कर पाया, और ये मेरी लगन थी जो कि मुझे आज इस मुकाम पर लेकर आई कि मुझे 2017 में एक्टिंग के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, जो कि हमारी रियासत में पहला अवार्ड है जो एक्टिंग की फील्ड में मिला. आज तक हमारे यहाँ डायरेक्शन में मिले हैं, बलवंत ठाकुर जी को मिला, मोतीलाल केहू साहब को मिला, लेकिन एक्टिंग में आज तक किसी को ये अवार्ड नहीं मिला था. और मैं बहुत हैरान हुआ जब पहली बार ये अनाउंस हुआ
कि आपको एक्टिंग में दिया जा रहा है, तो मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हम इतना अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि जब आप थिएटर करते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि मैं किस लिए थिएटर करता हूँ, किसी अवार्ड को पाने के लिए नहीं, ये मेरी सेटिस्फेक्शन है जो कि मैं फील करता हूँ कि थिएटर करते करते आई फेल्ट सो मच सेटिस्फाइड कि मैं कुछ पब्लिक को, कुछ अपनी जनता को कुछ दे रहा हूँ, समथिंग पॉजिटिविटी जो कि किसी और माध्यम से शायद नहीं मैं दे पाता इतना ज़्यादा। तो आई थिंक कि थिएटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम विच कैन चेंज द लाइफ एंड पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन। और आई थिंक इफ सम पीपल हूएवर सो ज्वाइंस द थिएटर, एक तो सबसे बड़ी बात कि उसमें एक डेडिकेशन का होना और सिंसेरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये दो चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप थिएटर में इस तरह कामयाब नहीं हो पाओगे और आप कुछ कर नहीं पाओगे अचीव जो आप करना चाहते हैं थ्रू थिएटर। सो थिएटर के उद्यम के माध्यम से मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप थिएटर करना चाहते हैं तो फर्स्ट मेक अप योर माइंड और जस्ट थिंक कि आपको फुल डिवोशन और सिंसेरिटी दिखानी है इस मीडियम में आने के लिए, और टाइम आपको सिंसेरिटी इसके लिए देना है, तभी आप इसमें कामयाब।